नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सोशल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों आज ये वीडियो सबसे अलग है, अनोखा है। देखिए किस तरह से ट्रेन चल रही है पानी में। दोस्तों दुनिया भर में जितनी ट्रेनें हैं पानी में भी खूब दौड़ती हैं। ये देखिए ट्रैक पे पानी है उसके बावजूद लोग बैठे हुए हैं और ये चल रही है। ये बांग्लादेश की है, ये हमारे मुंबई की है जहाँ पर ट्रैक में इतना ज़बरदस्त पानी लगा है, लेकिन जो आर्थिक राजधानी है वो थम नहीं रही है और लोग बैठे हुए हैं ट्रेनों में। यहाँ तक कि देखिए दोस्तों किस तरह से निकल रहे हैं। ये बर्फ़ की ट्रेन दोस्तों सबसे खतरनाक, बर्फ को चीरते हुए रास्ता बनाते हुए निकल रही है। और किस तरह से ये बर्फ़ को चीरती है ये अद्भुत है। आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि किस तरह से ये बर्फ़ को चीर रही है ये ट्रेन। अब इसके पीछे सारी ट्रेनें आएंगी। ये देखिए, ओ नो, इस दोस्तों अधिकतर विदेशों की है। हमारे यहाँ बर्फ़ को चीरने की ऐसी व्यवस्था नहीं है और इतना मौसम भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहता है, लेकिन बहुत से यूरोप के देशों में और अमेरिका में ऐसा होता है कि उन्हें बर्फ़ को चीरने के लिए खास तरह की ट्रेन की जरूरत पड़ती है, इसे बनाया जाता है। ट्रेन हर काम में आती है। देखिए पौधों की क्या हालत हो रही है, क्योंकि ये जो बर्फ़ निकल रहा है ये लगातार फेंक रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पता ही नहीं चल रहा है ये ट्रेन बर्फ़ में है या पानी में, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं सफ़ेद रंग का और इतना ज़्यादा बर्फ़ है कि कोई समझ ही नहीं सकता है कि ये ये देखिए ये छोटा सा स्टेशन है और इसे भी ये साफ़ करते हुए निकल रही है, इससे कि ट्रेनें यहाँ आकर चल सकें। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ये बांग्लादेश की अद्भुत ट्रेन, भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब लोग प्लेटफॉर्म के स्टेशन के कैंपस पे चढ़ गए हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे ऐसी ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।